हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल MDAR ब्लॉग। आज की मेरी ब्लॉग वीडियो महाराष्ट्र राज्य के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जिसका नाम है एलिफेंटा गुफाएं यानी एलिफेंटा केव्स का ब्लॉग वीडियो है। आज की इस ब्लॉग वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एलिफेंटा केव से रिलेटिव मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, भारत में ऐसी कई ऐतिहासिक जगहें हैं जो बेहद ही शानदार और घूमने लायक हैं। ऐसी ही एक जगह है एलिफेंटा, जहां हम आपको आज लेकर जा रहे हैं, जहां की गुफाएं पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एलिफेंटा को धारापुरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कोकर्णी मौर्य की द्वीपीय राजधानी थी। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। और गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जो है गेटवे ऑफ इंडिया से निकलकर लगभग एलिफेंटा द्वीप के आसपास पहुंच गए हैं। एलिफेंटा द्वीप पहुंचने के लिए लगभग 2 घंटे का समय लगता है, जिसके लिए बोट चलती है, जिसका किराया लगभग 260 रुपये है और यह सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे के बीच ही चलती है। तो आपको बता दें, एलिफेंटा के गुफाओं में घूमने का जो सबसे अच्छा टाइम है वो नवंबर से मार्च के बीच माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान मौसम यात्रा के लिए बिल्कुल अनुकूल रहता है। तो आपको एक बार एलिफेंटा की गुफाएं ज़रूर देखना चाहिए। और गाइस, एलिफेंटा की गुफाएँ मुंबई बंदरगाह के सबसे नज़दीक है, जो ओमान सागर के एक द्वीप पर स्थित गुफाओं का शहर में शिव के कला का संग्रह है। यहाँ भारतीय कला को अपनी सबसे बेहतरीन अभिव्यक्ति भी मिली हुई है। तो गाइस, एलिफेंटा की गुफाएं जो है मुख्य रूप से मंदिरों के एक संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल नामित किया है। वे एलिफेंटा द्वीप या धारापुरी शाब्दिक गुफाओं का शहर पर मुंबई हार्बर में भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मुंबई से 10 किलोमीटर लगभग 6 मील पूर्व में है। और एलिफेंटा की गुफाओं में हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल MDAR ब्लॉग। फाइनली हम पहुंचे एलिफेंटा की गुफाएं। तो यहां से हम जो कि ब्लॉग की जर्नी स्टार्ट करेंगे और आपके साथ सारी चीजें शेयर करेंगे, एलिफेंटा की गुफाओं का इतिहास, एलिफेंटा कैप और सारी चीजें दिखाती है। तो उम्मीद करूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आएगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चलिए वीडियो को शुरू कर दे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करें। पूर्व और पश्चिम भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुख्य भूमि तट से 2 मील 3 किलोमीटर पश्चिम में है। मुंबई की जो एलिफेंटा गुफाएं, उनमें कौन रहते हैं? तो आज का विज्ञान कहता है गुफाओं में एलियंस रहते थे। गुफाओं का जो इतिहास है वो सदियों पुराना है। पाषाण युग में मानव गुफाओं में रहता था, जो आमतौर पर पहाड़ों को खोदकर बनाई गई जगहों को गुफा कहा जाता है। और गाइस, एलिफेंटा गुफाएं लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य में पाई गई, जो कि एक चट्टानों को काटकर एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किया गया था। गुफा में सबसे महत्वपूर्ण गुफा एक है, जो सामने के प्रवेश द्वार से पीछे के प्रवेश द्वार तक 39 मीटर की दूरी पर है। तो गाइस, एलिफेंटा गुफाओं में गेटवे ऑफ इंडिया से पहुंचने के लिए लगभग 1 घंटे का समय लगता है। देखिए, इस तरह से जो है बोट के जरिए मुंबई के इंडिया गेट से, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं में पहुंचा जा सकता है। और रास्ते में मुंबई बंदरगाह के देख सकते हैं बहुत ही शानदार नज़ारे,
देखने को मिलते हैं। इस तरह आप एडवेंचर करके गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक पहुंच सकते हैं। और फिलहाल हम लोग जो है एक घंटे का सफर करके बोटिंग करके एलिफेंटा केव्स के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो ये हमारी जो बोट है वो रुक गई है और यहाँ से जो है सब लोग नीचे। फाइनली गाइस हम लोग जो है एलिफेंटा बीच पे पहुंच गए हैं और देख रहे हैं पूरी बोट खाली हो रही है। यहाँ से हम लोग बीच पे जाने वाले हैं, मतलब एलिफेंटा जो हमारे पास घुसा है। कभी भी तो गाइस जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एलिफेंटा गुफाओं में जाने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ता है, जो लगभग 9 बजे से स्टार्ट होकर 12 बजे तक रहती है, क्योंकि उसके बाद जो है शाम या दोपहर का माहौल हो जाता है। तो इस तरह से शाम में जो है गुफाएं बंद हो जाती है। तो गाइस एलिफेंटा कैप्स में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और यहाँ जगह जगह फूड स्टॉल लगे हुए रहते हैं, जिसका और एक मार्केट भी है जिसका अलग से मैं ब्लॉग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ से एक जो है टॉय ट्रेन जिसका टिकट 10 रुपये है, यहाँ से जो है आगे आपको दिखाऊंगा, यहाँ से आप टिकट कटा के डायरेक्ट जो मार्केट है एलिफेंटा कैप्स का वहाँ जा सकते हैं। तो गाइस ये है टॉय ट्रेन का टिकट काउंटर, टिकट 10 रुपये में टिकट काट के और जा सकते हैं। ये देखिए ये टॉय ट्रेन का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे मार्केट जो है एलिफेंटा कैप्स का ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं से आप पैदल भी जा सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मोमेंट को एंजॉय करना है तो बिल्कुल ट्रेन ले सकते हैं। जब आप इतनी दूर आए हैं तो टॉय ट्रेन का भी आनंद ले सकते हैं। ये देखिए ये पूरा इतना बड़ा एरिया जो है वो एलिफेंटा कैप्स का है, जहां बहुत सारी बोटें जो है सिंगल बोट डबल बोट पूरी है यहाँ। ये देखिए और ये पूरा टापू बना हुआ है। गाइज आपको एक फायदे की बात बता देता हूँ, आप यहाँ आए तो छोटी सी ट्रेन है, वहाँ टिकट मत कटाएं क्योंकि टिकट कोई चेक करता है नहीं, तो आपका फालतू में 10 रुपया लग जाएगा। तो आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर देना, तो आपका